वेलकम ऑन कोलियाड स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब. टुडे इज अ बिग गेम. मिताली 11 वर्सेस जुबेर मौलवी जंबूसर टीम. हियर विद अस टू स्टार प्लेयर्स सनी पटेल एंड सोएब टाई. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर सनी सर. सनी सर, आप यहां पर जो पहली बार कोलियाड में ये लेटर बॉल पर जो मैच हुआ, टूर्नामेंट हुआ, तो आपका पर्सनल इस ग्राउंड के लिए क्या एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी अच्छा ग्राउंड है. यहाँ के लोगों ने भी बहुत मेहनत की है ग्राउंड बनाने में, विकेट बनाने में. विकेट भी काफ़ी अच्छा विकेट है. टर्फ विकेट भरूच डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम जगह पे है, लेकिन जहाँ भी है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट विकेट्स है यहाँ पे खेलने के लिए. तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है क्रिकेट वाले ने. आप जो है दे में भी खेलते हैं या अंडर लाइट्स भी खेलते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? वैसे तो ऐसे एक्चुअली यहाँ लाइटिंग बहुत ही अच्छा है. एक्चुअली हमने जब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअली कोई ग्राउंड में इतना अच्छा लाइटिंग डिस्ट्रिक्ट में किसी भी गांव में हो सकता है, बट बहुत ही एक्सेप्टेबल लाइटिंग है कि विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. और डे में भी कल इतना रात से ऐसा है, विंटर सीजन के हिसाब से व्यू ज़्यादा है, इसलिए बस वही प्रॉब्लम थोड़ा चेंज रहता है डे में. और अब तक का सफर जो फाइनल तक का आपके सामने अच्छी टीम भी आई, थोड़ी बहुत आगे भी टीम भी आई, तो किस तरह से पूरा टीम वर्क होकर आप लोग किस तरह से यहाँ तक पहुँचे? वो अब हम काफ़ी टाइम से सब साथ में चल रहे हैं. फारूक भाई, शोएब भाई, जेसल और सारे सब गैंगस्टर भी हैं. तो क्या है कि भाई ये कॉम्बिनेशन बन गया है सालों से, तो उनको पता है कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्लेयर कब कहाँ काम लग जाएगा. और वो लोग उनको खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि उनको क्या करना है मैच में, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता. थैंक यू. शोएब भाई, आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले कि ये जो भरूच डिस्ट्रिक्ट में जो अंडर लाइट भी मैच हो रहे हैं और क्रिकेट का क्रेज दिन ब दिन बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्रिकेट किस पहले से भरूच डिस्ट्रिक्ट में है अब और बड़े मुकाम पर आया है. ग्राउंड टर्फ विकेट और लॉन ग्रास काफ़ी जगह पे हो गया है, तो आप सबसे पहले इसके बारे में बताइए. अच्छा लगा खबर. टाइम से मैं भरूच में क्रिकेट खेलता हूँ तकरीबन 10-12 साल से, और अंडर लाइट में ये शायद दूसरा ग्राउंड है. पहला ग्राउंड था वो शायद मेसरा, तो काफ़ी अच्छा आयोजन किया है. लाइटिंग भी अच्छा है, ग्राउंड भी बहुत बढ़िया है और विकेट भी ब्लैक सॉइल है, तो बहुत अच्छी बात है. काफ़ी कम जगह पे ऐसा टूर्नामेंट होता है. और ये जो बैक टू बैक लीग हो रहा है, जैसे IPL एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट पूरे वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, तो इस बुनियाद पर यहाँ पर IPL बड़ा कर्जन प्रीमियर लीग शुरू हुआ और भी दूसरे लीग शुरू हुए हैं, कर्जन प्रीमियर लीग शुरू हुआ है, तो ये आप इसकी उपलब्धि को कैसे आप बता सकते हैं कि भाई ये किस तरह का क्रेज है, जो आप क्या किस तरह से समझ सकते हैं कि भाई ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा टूर्नामेंट कहा जाएगा जो ऑर्गेनाइज किया अब अजीत भाई, सईद भाई, साजिद भाई सबने मिलकर. ये ऐसा छोटा छोटा टूर्नामेंट करके तुम एक बड़ा टूर्नामेंट कर पाओगे, तो ये पहला स्टेप है और इससे काफ़ी सीखने को मिलेगा. इससे आगे जाके आपको बड़ा टूर्नामेंट और भी बड़ा टूर्नामेंट, आपको जैसे आप बोल रहे थे IPL बहुत ही वर्ल्ड में सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, इससे ये काफ़ी नीचे है अभी, तो ये पहला स्टेप है और भी अच्छा धीमे धीमे आयोजन हो सकेगा. बड़ा मुकाबला है मिताली 11, इसलिए मैं अपने दोस्त पर हूँ, उन्होंने सुपर नोवा को बीट किया. लो स्कोरिंग, बिल्कुल लो स्कोरिंग है इनका. इनके खिलाड़ियों में जो एक्टिवनेस और फील्डिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी है इनकी, तो आप अभी की रणनीति आपकी क्या है कि भाई किस तरह से आप इस, आप बहुत बड़े मुकाबले खेले हैं ऑलरेडी, मगर ये अंडर लाइट और ये फाइनल मुकाबला, तो किस तरह से आप इसको फिलहाल ले रहे हैं इस मैच को? स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्पाइक्स अलाउड नहीं है बॉलिंग में, तो सेकंड बॉलिंग जिसका रहेगा उसको थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा बॉलिंग में, क्योंकि ड्यू की वजह से पैर फिसलना काफ़ी चांसेस रहते हैं. जैसे लास्ट मैच में भी हुआ था, तो टॉस जीत के मेरे ख्याल से पहले आप बॉलिंग करिए. जैसे मतलब